जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात एक और फॉरेन टीम के एक रुकन से करेंगे। मैनेजर है इनफैक्ट काशिफ अब्दुल रऊफ साहब। तमाम क्रिकेट क्लब है जो सऊदी अरेबिया का है, पाकिस्तान चैंपियंस लीग आप खेलने आए, इनके खौफ और इनका डर पाकिस्तान और खासतौर से कराची के बारे में कितना डर है अभी आपके दिल में? आपको तीन दिन यहाँ हो चुके हैं, किस चीज़ का डर आप बताएंगे? आपको आने से पहले एडवाइजरी आपको मिली हो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से? वेल, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई एडवाइजरी नहीं मिली है सच, क्योंकि हम लोग तो वहाँ से क्लब से ताल्लुक रखते हैं और इनफैक्ट हमारे कुछ प्लेयर्स क्लब के ऐसे हैं जो कि सऊदी अरब की इंटरनेशनल टीम जो है उसके अंदर भी खेलते हैं, और डेफिनेटली उन प्लेयर्स को क्योंकि यहाँ पे आना था तो उनको इन्फॉर्म भी करना था कि जी वो इस तरह पाकिस्तान चैंपियंस लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, और कोई किसी किस्म की रुकावट सवाल जवाब और कुछ भी नहीं था। और इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं और मुझसे सवाल ये भी किया गया था आते हुए कि जी आपके वालदैन कुछ परेशान होंगे और इस तरह की चीज़ें, और ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैंने अपनी वालदा को आने से पहले फ़ोन किया और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तुम जाओ, और ना कोई सवाल ना जवाब। आप लोग टीवी नहीं देखते सर? नहीं, हम लोग रेगुलरली टीवी देखते हैं। इनफैक्ट कराची में जो कुछ भी होता है या टीवी पे बताया जाता है, मैं उसको ऐसे कहूँगा, वो मुझे सारी खबरें मेरी वालदा खुद सुनाती हैं। मैं उनसे पता चलता है कि आज कराची के कौन से हिस्से में क्या हुआ। इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ दी, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बड़ी है, और मेरे ख्याल में इतने बड़े शहर के अंदर रोज़ कुछ ना कुछ तो हादसात होंगे, जहाँ पे आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ रखेंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, अभी तक सो फार सो गुड, अभी जितना अर्सा आपको हुआ है कराची? जी, सो फार नॉट सो गुड बट इट्स एक्सीलेंट। और क्रिकेट मैदान पे आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी? वेल, अभी तक हमारी टीम की परफॉर्मेंस, यानी हम लोग वहाँ से एक डिफरेंट पैटर्न पे खेलते हुए आ रहे हैं। सेमी क्रिकेट है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ज़ाहिर एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जो इरफान फारूकी हमारी टीम के कैप्टन हैं अभी, उनकी शुरू में ओपनिंग जो है उनकी बहुत अच्छी रही है। इनफैक्ट आज भी उसने बड़ा खुश पाया, 25-27 रन किए हैं, कल भी उसने बहुत अच्छा खेला। और दो तीन लड़के हैं हमारी टीम के अंदर ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान कराची से यहीं से फर्स्ट क्लास खेल के गए हैं, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है अभी उनमें, लेकिन ज़ाहिर थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा डेफिनेटली, और हमें तैयारी करना वक्त भी नहीं मिला, तो जब अगली दफ़ा हम लोग आएंगे तो बिल्कुल तैयारी से आएंगे और डेफिनेटली अच्छा मुकाबला। अच्छा, ये सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुकाबले का जो लेवल है कितना कॉम्पिटिटिव है ये टूर्नामेंट? अगर हम लोग, मैं अपने जो पोल जिससे मैं खेल रहे हैं हम लोग जिसमें हैं उसकी बात करूँ तो हाँ, कॉम्पिटिशन हमें मिल रहा है, हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, और जो लड़के खेल रहे हैं, जैसे आज हमारी टीम के अंदर क्या नाम है एक लड़का था जो आज पाकिस्तान के कैंप में जा रहे हैं खेलने के लिए, आप ऐसे लड़कों के साथ जब खेलेंगे और यानी कंपटीशन आपको मिलेगा, इम्प्रूवमेंट गेम में जाहिर है डेफिनेटली आएगी, और एक अच्छा मेरे ख्याल में मैार है यहाँ पे क्रिकेट का, बहुत अच्छा है इनफैक्ट, और हम लोग बहुत खुश हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है खेल। अच्छा, दो सूरत हाल है, एक तो कराची से जब आप वापस जाएंगे, एक तो कॉन्फिडेंस आपके लड़के, आपने जिस तरह कहा पहली मरतबा पाकिस्तान आए हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं और वो थोड़ा बहुत फियर वो तो लेके आए होंगे, एक तो उनका फियर थोड़ा बहुत कम होगा और दूसरा जो कॉन्फिडेंस गेम के एतबार से आपका बढ़ेगा कि अच्छे लड़कों के साथ आप खेलें, थोड़ा सा ये दोनों चीज़ें तो होंगी। सर, मेरी टीम के अंदर इस वक्त तीन लड़के ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, और उन तीनों लड़कों को जब हम लोग लेके आ रहे थे, जाहिर है उनके कान कुछ ऐसी चीज़ें सुन के उनको ऊपर यकीन कर लेते हैं कि जो मैं शायद ना करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत रह के जा चुका हूँ, तो वो अब आए हैं हमारे साथ रह रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ हम लोग जा रहे आते जाते हैं, वो तो एक अलग हिस्सा है उस चीज़ का, लेकिन जो बाहर जाके वो देखते हैं कि जा रहे नज़र कुछ बंदे की जो है वो आई कैचिंग भी कोई चीज़ होती है, तो वो चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे अपना जो रहना है थोड़ा एक्सटेंड करके तो शहर को देखें, और बहुत खुश हैं यहाँ पे आकर, तो कोई डर खौफ मेरे ख्याल में तो नहीं। चले, हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें यही इसका मकसद है। देखें, पाकिस्तान चैंपियंस लीग की जो मैनेजमेंट है उससे हमारी जब भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमारा मकसद एक तो लेवल ऑफ 40-40 टीम रखने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आके देखें और उसका जो पैगाम है वो जाए, तो हम आपके लिए भी दुआ करते हैं कि आपकी टीम भी बेहतर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा इसके बाद, और उसमें एक और शख्सियत से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।